दोस्तों यह है मराठा एम्पायर की राजधानी रायगढ़, जिसे यहाँ पर मौजूद रायगढ़ फोर्ट के नाम पर रखा गया है। यह फोर्ट समुद्र तल से 1356 मीटर की ऊंचाई पर सह्याद्री पर्वतमाला की महाड़ पहाड़ी पर स्थित है, जिसका निर्माण छत्रपति शिवाजी महाराज ने 1674 ईस्वी में किया था। साथ ही इनका राज्याभिषेक भी इसी रायगढ़ के दुर्ग में हुआ था। दोस्तों आपको इसे छत्तीसगढ़ वाले रायगढ़ जिले से कंफ्यूज नहीं करना है। यह रायगढ़ महाराष्ट्र के 36 जिलों में से एक महत्वपूर्ण जिला है, जिसका हेडक्वार्टर अलीबाग में मौजूद है। यह नगर पहले कोलाबा डिस्ट्रिक्ट के नाम से जाना जाता था, जिसे 1869 में थाने डिस्ट्रिक्ट से अलग कर बनाया गया था। रायगढ़ सर अभी के समय में कोंकण डिवीजन का एक पार्ट है, और इसके भौगोलिक विस्तार पर गौर करें तो पता चलता है यह जिला उत्तर में थाने, उत्तर पश्चिम में मुंबई हार्बर, दक्षिण में रत्नागिरी और पश्चिम में अरब सागर की सीमा से लगता है, जिसमें पेन मांडवा का एक बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह शामिल है, जो मुंबई पोर्ट के दक्षिण में सिंगल लैंडफॉर्म भी शेयर करता है। रायगढ़ शहर का नॉर्दर्न एरिया नवी मुंबई के मेट्रोपॉलिटन रीजन का एक पार्ट है। साथ ही पनवेल यहाँ के पॉपुलेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन और एरिया के हिसाब से इस जिले का सबसे बड़ा और सबसे तेजी से डेवलप होने वाला शहर भी है। 7152 वर्ग किलोमीटर के एक विशाल क्षेत्रफल में फैले रायगढ़ शहर की कुल आबादी 2011 के सेंसस के अनुसार 26,35,000 के आसपास है, जो कुवैत और यूएस के स्टेट नेवादा की पॉपुलेशन के बराबर है। इस शहर के एरिया को अगर इसे पॉपुलेशन के साथ बांटे तो यहाँ पर एक स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र में 368 लोगों का जनसंख्या घनत्व बनता है। और बात करें यहाँ के महिला पुरुष अनुपात की, तो यहाँ पर प्रत्येक 1000 पुरुषों पर 959 महिलाएं पाई जाती है। इस शहर का लिटरेसी रेट 83.14% का है, और इस शहर की मौजूदा जनसंख्या का 36.83% लोग ही शहरों में रहते हैं, बाकी बचे लोग ग्रामीण इलाकों में कृषि और मजदूरी कर अपना जीवन यापन करते हैं। धार्मिक विवरण के अनुसार रायगढ़ एक हिंदू बहुल आबादी वाला क्षेत्र है, और यहाँ पर मौजूद कुल आबादी का लगभग 85.04% लोग हिंदू धर्म, 8.64% लोग इस्लाम, 4.62% बौद्धिस्ट और 1.73% अन्य धर्म को मानते हैं। इस शहर की डोमिनेंट स्पीकिंग लैंग्वेज मराठी है, जिसके कारण यहाँ की 80% आबादी मराठी भाषा बोलती है। इसके अलावा भी 8% लोग हिंदी, 6% उर्दू और बाकी बचे लोग गुजराती और कुछ रीजनल लैंग्वेज का भी प्रयोग करते हैं। तो आइए अब जानते हैं रायगढ़ शहर के ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। तो अगर आप रायगढ़ शहर घूमना चाहते हैं तो आप यहाँ पर टैक्सी, बस और ट्रेन के माध्यम से यहाँ तक आसानी से पहुँच सकते हैं। इस शहर का सबसे नजदीकतम एयरपोर्ट मुंबई में है, जो यहाँ से लगभग 120 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में इस शहर के पनवेल शहर से होकर मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे और NH4 गुजरती है। अगर आप ट्रेन के माध्यम से यहाँ पर आना चाहते हैं तो इसके लिए यहाँ पर मानगांव, वीर, करजत और पनवेल यहाँ के प्रमुख रेलवे जंक्शन है, जहाँ से प्रत्येक दिन कई पैसेंजर और एक्सप्रेस ट्रेन भी गुजरती है। यह तो बात होगी रायगढ़ सिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। तो आइए अब जानते हैं रायगढ़ शहर में क्या कुछ खास है और अब यहाँ पर कहाँ कहाँ घूमने जा सकते हैं। तो आपको बता दें कि इस जिले की एक समृद्ध ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, और इसकी सीमाओं के भीतर प्राकृतिक सौंदर्य प्रचुर मात्रा में फैला हुआ है। खूबसूरत समुद्री बीचों से लेकर पहाड़ों तक, भव्य किलों से लेकर प्राचीन और ऐतिहासिक मंदिरों तक, यह जिला अपने त्रुटिहीन सुंदरता के लिए प्रकृति और इतिहास प्रेमियों को अपनी ओर कुछ ज्यादा ही आकर्षित करता है। रायगढ़ शहर में सबसे पहले आप रायगढ़ फोर्ट को घूम सकते हैं, जो देश के अन्य प्रतिष्ठित स्मारकों की तरह ही अनमोल है। इस दुर्ग का निर्माण 1674 ईस्वी में छत्रपति शिवाजी महाराज ने किया था, लेकिन 1818 में इस किले को लूट कर ब्रिटिश सेना द्वारा इसे तहस नहस कर दिया गया था। यह फोर्ट सी लेवल से 1356 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद है, जहां पर पहुंचने के लिए लगभग 1737 सीढ़ियां बनाई गई थी। इसके अलावा भी इस खूबसूरत हिल स्टेशन तक पहुंचने के लिए रोपवे का भी आनंद ले सकते हैं। इसके बाद भी रायगढ़ शहर में आप मैथेरन हिल स्टेशन, गंगा सागर लेक, कोंडाना की गुफाएं, वारसलोई बीच, जगदीश्वर टेम्पल, टकमक टोक, सारसगढ़, खंडेरी फोर्ट, जीजा माता पैलेस और करजत के हिल स्टेशन का भी आनंद उठा सकते हैं। तो फिलहाल रायगढ़ शहर की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हमसे जुड़ने के लिए ट्रैवल विद चंदन को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। बी सेफ एंड स्टे ट्यून्ड विद ट्रैवल विद चंदन। जय हिंद, जय भारत।